उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पति पत्नी समेत दो मासूमों की हत्याकांड का मुख्य आरोपी चंदन वर्मा पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक जब आरोपी को पूछताछ के दौरान बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने की कोशिश की और भागने लगा। फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चंदन वर्मा के पैर पर गोली मार दी। घटना मोहनगंज थाना क्षेत्र की है। दिनांक 3/10/2024 को थाना शिवरत्नगंज के ग्राम अभरुआ भवानी में चार व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उपनिरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु CSC लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल UPSTF ने चंदन वर्मा को नोएडा के जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान जब उसे पुलिस टीम कुछ जरूरी बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तभी उसने भागने की कोशिश की। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि सुनील कुमार के परिवार ने एक महीने पहले चंदन वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। FIR में चंदन वर्मा पर SC/ST एक्ट और छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे। शिकायत में यह भी कहा गया था कि अगर परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है तो चंदन वर्मा ही इसका जिम्मेदार होगा। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये पता चला कि चंदन वर्मा घटना के समय बेहद गुस्से में था और उसने सामने आने वाले हर शख्स को गोली मार दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि हत्याएं पिछली FIR से जुड़ी है या नहीं। शुक्रवार को इस मामले में चंदन वर्मा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। घटनास्थल जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पुलिस की टीमें तैनात हैं और इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।